करण चाय में पत्ती नहीं तो पीने का क्या मजा, सामने करण भाई की वाइफ नहीं तो घूमने का क्या मजा, नगर घिंगे तो दौलत तो देगा, करण भैया घिंगे तो रौनक तो देगा। मतलब अगर आप आए हैं यहाँ पे और आप है शौकीन एडवेंचर के, कुछ एडवेंचर अलग सा करना चाहते हैं माउंट आबू के अंदर, तो आप लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे प्रॉपर सारे धूल कार्व करते निकली थी, उतने ही किलो सोना यहाँ के वर्कर को बांटा गया था उस टाइम पे। सोचो कितनी कॉस्ट आई थी बंदे में, 18,37,00,000 रुपए आज से 1,000 साल पहले। इस मस्ट विजिट प्लेस भाई माउंट आबू, अगर आप नहीं आए तो एक बारी जरूर घूमें। इधर देखो पूरा लेक है, उधर पूरे पहाड़ है, उधर पूरी सिटी बनी हुई है और इधर पूरी ग्रीनरी है। तो कहते देखो ये है माउंट आबू की खूबसूरती। इतनी ऊपर आने के बाद कौन कह सकता है कि हम राजस्थान के अंदर है भाई। देखो हाँ, क्योंकि मतलब अंधेरे उनसे पहले जाने, क्योंकि ऐसा कहते हैं पहाड़ों पे भालू वालू होती है। पूजा शिव जी के दाहिने पैर की अंगूठे की, और जो अंगूठे के नीचे पूरा चढ़ा वो ऐसा कहते हैं जितना मर्जी जल चढ़ा लो किसी को नहीं पता वो जल कहाँ जाता है। चल चला जाता हूँ किसी की धुन में। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग करण वासन ब्लॉग। नए दिन की नई शुरुआत आज हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि अगर हम नज़ारा देख के अंदाजा लगाओ हम कहाँ पे हैं समय ना, ये है गोवा, ना ये है हिमाचल, ना ये है उत्तराखंड। ये हम आए हैं आज आपको लेके सैर कराने हिंदुस्तान का सूखा देश, सूखा राज्य कहने वाली जगह पे। कौन से है वो? राजस्थान। इस समय हमें राजस्थान के अंदर, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा मगर हम बिल्कुल राजस्थान के अंदर, और हम आए हैं घूमने माउंट आबू। टूर के अंदर आपको दिखाने वाले सारी ए टू जेड चीज़ें, हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, क्या हमारा खर्च होने वाला है, यहाँ पे आने का क्या तरीका है, कैसे घूमना है, सब कुछ डिटेल आपको मिलने वाली है हमारे इस ब्लॉग के अंदर। तो गाइस बिल्कुल एंड तक देखेगा, मज़ा बहुत आएगा। मगर हम जैसे आए थे अपनी गाड़ी से, आपने देखा होगा हमारे पिछले ब्लॉग के अंदर, हम अपनी गाड़ी से आए थे उदयपुर से लेके माउंट आबू तक, मगर हमने अब क्या किया यहाँ पे ले लिया अपनी स्कूटी। तो भाई अगर आप भी आ रहे हैं तो आप भी यहाँ पे आराम से अपनी स्कूटी ले सकते हैं, और घूमने के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पे घूमने स्कूटी, क्योंकि इतनी बढ़िया व्यू है, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे। अगर आप यहाँ घूम रहे हैं जो अच्छी ठंडी हवा के मजे है ना, ये देखो जैकेट वैकेट पहन के हमारे बंदे सब रेडी है, वो स्कूटी पे ही है। और स्कूटी का रेंट हमने कितना दिया था? चल 300 पर डे। ऐसा होता है कि 300 रुपीज की आपको स्कूटी मिलती है जो कि रात के 8 बजे तक होती है, मगर हमने दिए कितने? 500 for 2 days। दिल्ली वालों की बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबकी होती है, सबको करना चाहिए। गुजरात से लोग ज्यादा आते हैं, उनकी पावर दिल्ली वालों से बहुत ज्यादा है। और गाय आपको स्कूटी लेने से पहले सबसे बढ़िया मैं मेन चीज यहाँ पे बता दूं कि स्कूटी अगर आप लेते हैं ना तो उसकी स्कूटी की एक बार पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर बना लें, क्योंकि बाद में कोई स्क्रैच है कि नहीं है वो आपको इजीली पता लग जाता है, लड़ाई होने का चांस नहीं होता। जैसे हमारी स्कूटी में छोटा स्क्रैच था, हमने इसकी रिकॉर्डिंग बना के उनको चेक करा दिया। अब पहली जगह होने वाली कौन सी? हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन दिलवाड़ा टेम्पल। दिलवाड़ा टेम्पल, क्योंकि अभी बच्चों के शाम के 4 ऐसा कहते हैं, यहाँ मंदिर हो जाता है कितने बजे बंद? 5 o'clock के बाद एंट्री नहीं होती दिलवाड़ा टेम्पल। हाँ, 5 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं दिलवाड़ा टेम्पल। तो पहले चलते हैं सीधा आपको लेके दिलवाड़ा टेम्पल, बताते हैं उसका भी इतिहास। पहली डेस्टिनेशन जो आज हम आए माउंट आबू में आपको घुमाने के लिए वो है ये दिलवाड़ा टेम्पल। देख रहे हैं ये मंदिर ना माउंट आबू मेन माल रोड से ना 2-2.5 किलोमीटर दूर ऊपर आए रास्ता जो आपने आपको दिखाया। देखो ये ना बढ़िया। और इस मंदिर की एक प्रसिद्ध कहानी है कि 1500 साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे तो हम आ गए मगर अंदर ना हम आपको जाके पूरी वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इसका यहाँ पे ऐसा मानना है कि अंदर हमारे मोबाइल कैमरा फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम आपकी अंदर की पूरी वीडियो बना नहीं पाए। मगर सबसे पहली डेस्टिनेशन अगर आप आ रहे हैं माउंट आबू घूमने तो दिलवाड़ा टेम्पल जरूर है देखेंगे। 1500 साल पुराना टेम्पल बना हुआ है, देखो अभी यहाँ पे डिपॉजिट करा रहे हैं, कुछ भी अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो गाइस ये था पहला हमारी डेस्टिनेशन का पार्ट जहाँ पे हम देख के आए दिलवाड़ा टेम्पल। इसके अंदर ऐसा कहते हैं भालू वालू चीता वीता भी शाम को आ जाते हैं इस रोड पर, तो वो भी आपको देखना। और अगर आपको कुछ खाना है या कोई करनी है शॉपिंग तो यहाँ पे ना पूरी मार्केट भी प्रॉपर बनी हुई है, तो आप छोटा मोटा सामान लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मार्बल से बना हुआ। और अंदर की जो ब्यूटी थी ना मैं देख रहा हूँ, मतलब वर्थ थी देखने के लिए। मतलब मोबाइल में हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं, तो वो हम दिखा नहीं पाए। मगर अंदर की जो ब्यूटी थी बहुत बढ़िया थी देखने। और ऐसा कहा जा सकता है, कहा जाता है कि 1000 साल पुराना मंदिर बना हुआ है जिसको बनाने में 14 साल लग गए थे, और 14 साल के अंदर जितने भी कारीगरों ने यहाँ पे काम किया था और मार्बल की क्रेविंग की थी ना, और क्रेविंग करते जितना भी इसका वो निकला था, क्या निकला था, जो भी सारी धूल कार्व करते निकली थी, उतने ही किलो सोना यहाँ के वर्कर्स को बांटा गया था उस टाइम पे। सोचो कितनी कॉस्ट आई थी बनने में, 18,37,00,000 रुपए आज से 1000 साल पहले।
इस मंदिर को बनाने में कौशल थी। तो ये था इस मंदिर का इतिहास जो हम अभी देख के हैं। बाकी अब चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन में, वो हम आपको बताते हैं पहुंच के वहीं पे कौन सी है वो। तो गाइस अब हम आए हैं आज आपको लेकर अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के अंदर, वो है कौन सी, देखो ये है दूसरी डेस्टिनेशन जो हमारे ये नक्की लेक। भाई नक्की लेक अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे कर सकते हैं बोटिंग और बहुत सारी यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज अपने बच्चों के लिए। और यहाँ ना पूरे एक मॉल टाइप बन चुके हैं जहाँ पे आप आ सकते हैं अपनी शॉपिंग करिए। यहाँ पे कुछ सामान आपको लेना है या कुछ खाना है या कुछ भी आपको ऐसी चीज लेनी है तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ना हर चीज यहाँ पे प्रॉपरली एक मॉल रोड है जहाँ पे लोग आएंगे, बढ़िया सब कुछ मिल रहा है खाने पीने का। तो ये चीज भी करते हैं, हमें भी लग रही है बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो रिक्शा जो चलता है ना, इस तरीके के रिक्शा है, देख रहे हो ये रिक्शा चल रहा है यहाँ पे चलने के लिए। और ये है यहाँ का नज़ारा, ये है यहाँ का नज़ारा भाई, देखो बोटिंग का। तो हम भी जाएंगे वहाँ पे, करेंगे बोटिंग और स्पेंड करेंगे टाइम। उससे पहले कुछ लेते हैं खाने को, लग रही है बहुत जोर से भूख। और यहाँ खाने पीने के लिए ना ज़्यादातर ऑप्शन आपको लेने, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत कम ऑप्शन हैं, वेजिटेरियंस के लिए तो भरमार है। तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं बोटिंग है मजे। देखो अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे ना, अगर आप लोग कुछ भी करनी है, गेम्स है बच्चों के लिए सारी खेलने के लिए। और ये सारी यहाँ पे एक्टिविटी देखो, ये बोटिंग करिए लव्ड वन के साथ, टाइम स्पेंड करना है अगर आपने बढ़िया पैडल बोर्ड के साथ, ये देखो ये। तो सारी चीजें हैं यहाँ पे, मतलब बहुत अलग इन्वायरमेंट है, बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ पे जो इस समय हो रहा है। अगर आपने करनी है बोटिंग तो बोटिंग के चार्जेस यहाँ पे 200 रुपये एक, मतलब पर हेड 200 रुपीज। हम एक दो मिला के तीन लोग थे हम, तो हमने लिए यहाँ पे तीन टिकट 600 रुपये की। पर्सनल बोटिंग करेंगे, खुद ही बोट चलानी है यहाँ पे। और लेनी है अगर लाइफ जैकेट तो 500 रुपये 5 रुपीज। आपको एक मेन बात ये बता दूं, अगर आप आ रहे हैं ना नक्की लेक में तो आपने ये सारी चीजें भी जो उसके आसपास पड़ती है, तो अगर आप आए तो ये प्लान करके हैं कि भारत माता टेम्पल, नेशनल वाटिका, रघुनाथ टेम्पल, टोड रॉक, इन सारों में से जो भी आप देखना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली बनाएं कि नक्की लेक के साथ साथ वो चीज़ देख सके। ऐसा नहीं हो कि आप पहले जा रहे हैं कुछ और देख रहे हैं, फिर आप आ रहे हैं यहाँ पे, फिर आपको देखना है कहीं और जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं भारत माता टेम्पल देखने। तो ऐसा ना, ये आइटनरी आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, लेके नक्की लेक के आसपास के एरियाज हैं सारे। The next day. हमारे नए दिन की नई शुरुआत दोबारा से आज हो चुका है। आपका वेलकम है हमारे चैनल करण हसन ब्लॉग पे। कल हमने आपको दिखाया दिलवाड़े टेम्पल, हम आपको दे रहे हैं पूरा का पूरा टूर माउंट आबू का। तो मैं आपको एक छोटी सी समझाना चाहता हूँ, पूरा मैप लेके आओ, जरा मैप के पास लेके आएंगे आप। तो कल हमने करा था दिलवाड़े टेम्पल, आप एक ही दिन में सारा कुछ, अगर 10 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं माउंट आबू की तो कर सकते हैं सारा कुछ एक ही दिन में, ये सारा कवर कैसे कर रहे हैं ये हम आपको बताएंगे अपने चैनल पे। सबसे पहले हमने देख ले रहे दिलवाड़ा टेम्पल, हमने ऐसे कल दिलवाड़ा टेम्पल देख लिया है। आप उसी दिन दिलवाड़ा टेम्पल जाएँ और उसी के स्टेज पर ना सारे ये जो है टूरिस्ट स्पॉट्स पड़ते हैं। उसके बाद जा सकते हैं गुरु शिखर, पीस पार्क, अचलगढ़, और उसके बाद हम जाएंगे टॉड रॉक, हनीमून पॉइंट, सबको जा हम आपको ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। कैसे कैसे जर्नी होने वाली है, कैसे कैसे हम ट्रैवल करने वाले हैं, सब आपको पता लगेगा। तो इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, एक ही दिन के अंदर घुमाने वाले पूरा माउंट आबू। और सबसे मेन बात, अगर आप जा रहे हैं गुरु शिखर पे जो कि माउंट आबू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वो देखो बिल्कुल ऊपर जाके वहाँ हमने जाना है। ये है सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट आबू का। इस रोड पे आपको ध्यान रखना, अगर आप जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ का मजा लेने जाते हैं, भालू चीता कुछ भी आपको इस रोड पे देख सकता है। तो आंखें खुली रखें और दिमाग अपना बिल्कुल शांत रखें, फालतू बातें ना करें, घूमने का ब्यूटी का आनंद लें। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको, करते हैं हाईएस्ट पॉइंट माउंट आबू का, गुरु शिखर का सफर। आने के बाद दिलवाड़ा टेम्पल से आने के बाद आपको जाना होता है गुरु शिखर। गुरु शिखर जाने के लिए दो रास्ते, आप अपनी स्कूटी यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से रास्ता जा रहा है मार्केट से होते हैं, जो 350 सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए। नहीं तो आप चाहते यहाँ पे बहुत सारे गाइड्स भी मिलते हैं, आपको ये वाले ट्रैक कराते हैं ना ऊपर ले जाते हैं। जैसे सुनाऊंगा, सुनाए शायरी सुना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है करण। करण, चाय में पत्ती नहीं तो पीने का क्या मजा, सन्ने करण भाई की वाइफ नहीं तो घूमने का क्या मजा, नगर घिंगे तो दोनों तो पड़ेगा, करण भैया घिंगे तो रोना तो पड़ेगा, माचिस मांगी तो खोका दिया, करण ने वाइफ ने दिल मांगा तो धोखा दिया, तुमने धोखा दिया। बस ज्यादा नहीं बेटे, तेरे तो रटे हुए तूने सारे है ना। ये भाई यहाँ पे गाइड है, इसको लेके जाओ। कितने पैसे लेते हो जाने के? 350। गुरु शिखर जाने के लिए ये है रास्ता सीढ़ों का। अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से ना देखो खाने पीने की, शॉपिंग की सारी शॉप्स भी बनी हुई है। मतलब पूरे भीड़ भाड़ वाले जाके बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे ऊपर 9 किलोमीटर। अनिल कैसा लगा ऊपर आने का व्यू पॉइंट अभी तक? अच्छा, ऊपर आने का रास्ता अलग ही है ना। चलते हैं ऊपर जाके देखते हैं क्या होने वाला है ऊपर से ना।
पूरा व्यू गुरु शिखर। तो गाइस अगर आप आने हैं चढ़ के ना 350 सीढ़ियां तो भाई ये है वर्थ यहाँ पे आना। मस्ट विजिट प्लेस ऑफ माउंट आबू इज दिस, ये भाई गुरु शिखर। ये देखो यहाँ आए माउंट आबू तो जरूर देखो, पूरा माउंट आबू का नजारा है नीचे, और यहाँ पे देखो पूरा सब कुछ दिख रहा है। तो अब तीसरी जगह हम आपको लेके आए हैं माउंट आबू की, है अचलगढ़ की पहाड़ियों पे स्थित श्री भोलेनाथ जी महादेव जी का मंदिर, जिसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं है, किसी चीज़ की पूजा नहीं, तो शिव जी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पे होती है पूजा शिव जी के दाहिने पैर की अंगूठे की, और जो अंगूठे के नीचे पुरुष है ना, वो ऐसा कहते हैं जितना मर्जी जल चढ़ा लो किसी को नहीं पता वो जल कहाँ जाता है। चलते हैं दिखाते हैं आपको इस 4000 साल पुराने मंदिर का इतिहास, और शिव जी के उस अंगूठे के दर्शन आपको कराते हैं। अगर आप आ रहे हैं ना माउंट आबू घूमने तो ये मंदिर भी मस्त विजिट है। देखो यहाँ पे गाड़ी घुमा के देखे कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे आ रखे हैं। तो इस मंदिर की भी खास बात है, 4000 साल पुराना मंदिर है, और पुराणों जैसे कहते हैं पुराण में सारी शिव में इन मंदिर के बारे में सारा कुछ है। चलिए चलते हैं, करते हैं आपके भी और कराते हैं आपको भी इस मंदिर के भी दर्शन। आइए क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर है, पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है हमारा नाम भगवान शिव की नगरी है, तो माउंट आबू भगवान शंकर की उप नगरी है। ऐसा भी कहा जाता है कि माउंट आबू के यह पर्वत सिर्फ भगवान शिव के अंगूठे की वजह से ही टिके हैं। जिस दिन यहाँ से भगवान शिव का अंगूठा गायब हो जाएगा उस दिन यह पर्वत भी नष्ट हो जाएगा। जब अगर आप आए हैं यहाँ पे और आप है शौकीन एडवेंचर के, कुछ एडवेंचर अलग सा करना चाहते हैं माउंट आबू के अंदर, तो आप लोगों को भी नाराज होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे प्रॉपर हर तरीके का आपके लिए सुविधाएं दी गई है। तो अब हम आए हैं यहाँ पे एडवेंचर करने थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा देखो भाई ट्रेवर्स टैंक के अंदर, जिसके अंदर ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं अंदर। आप अगर अपनी स्कूटी से घूम रहे हैं यहाँ पे तो अपनी स्कूटी भी अंदर लेके जा सकते हैं, गाड़ी से घूम रहे तो गाड़ी भी अंदर लेके जा सकते हैं। आपको यहाँ पे सफारी नहीं मिलती, आप यहाँ पे खुद करते हैं अंदर ट्रैवल और लेते हैं इस एडवेंचर का मजा। हम भी भाई यही लेने आए हैं मजे सब लेकर। यहाँ पे अंदर जाने के लिए ना टिकट लगती है, अगर आप है 130 रुपीज़ की टिकट है, 500 रुपये की फेयर फॉरनर, अगर आप स्टूडेंट है तो 50 रुपये लगते हैं सीधा, जीप गाड़ी अपनी गाड़ी लेके जाएंगे 300 रुपये, बाइक से जाएंगे 60 रुपीज़। हमने लिया कौन सी स्कूटी की 60 भी, तो हमारे भाई 60, और बच्चों के साथ अगर आप आ रहे हैं बच्चों की टिकट है यहाँ पे फ्री अगर छोड़ने। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर देखने को हमें क्या क्या मिलने वाला है। मिल सकता है क्रोकोडाइल तो यहाँ पे मिल सकता है, भालू मिल सकते हैं, टाइगर लेपर्ड मिल सकते हैं, स्नेक मिल सकता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अंदर जाके हम सर्च कर सकते हैं भाई। और ये सारी अंदर जाने से पहले सबसे मेन जो चीज़ है ना, ये आप यहाँ पे जरूर पढ़ लें, ड्रिंक स्मोक ना करें अंदर, किसी एनिमल को ना डिस्टर्ब करें, रेडियो गाने ना चलें, लाउडली बात ना करें, और बिल्कुल अगर आपने एक्सप्लोर करना है बढ़िया एनिमल का ये चीज़ें तो अंदर जाके आप अपने प्लांट्स और बर्ड्स के आराम से साउंड सुनिए और लीजिए मजे। चलते अंदर और दिखाते हैं अंदर का अद्भुत जंगल का नज़ारा। और हमारे साथ आज ऐसे होने वाला है कि अभी फिलहाल सिर्फ हम हैं जो अंदर जा रहे हैं, और मुझे कोई जाता हुआ नजर आने रहा, तो हो सकता है सिर्फ आज हम लोग ही सारे एडवेंचर हो पा रहे अंदर आज। आर रेडी टू एडवेंचर? ही इज़ नॉट रेडी, आर यू? यस। तो बस ये भी एक एक्सपीरियंस है जो अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अभी तक हमें तो कुछ ऐसा जानवर दिखा नहीं, मगर ऐसा कह रहे हैं शाम होते हैं ना तो यहाँ पे भालू या टाइगर, और टाइगर तो नहीं है, लेपर्ड स्पॉट होने के चांसेस, मगर क्रोकोडाइल की गारंटी देते हैं कि यहाँ से आपको क्रोकोडाइल जरूर दिखे। तो क्रोकोडाइल देखने जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर थोड़ा चलना पड़ेगा, जंगल है तो सांप वाप से थोड़ा बच के आप यहाँ पे चले अगर चल रहे हैं तो वही आपकी सेफ्टी है। हम पूरा चढ़ के जाएंगे 65 स्टेयर्स है यहाँ से ऊपर से, ट्राई करेंगे क्रोकोडाइल को स्पॉट करना, या जितनी ऊपर जाएंगे ना ऊपर से ज़्यादा इजी होगा जंगल का व्यू, तो शायद हो सकता है ऊपर से हमारे को कोई जानवर दिख जाए। तो देखो ये बना हुआ पूरा टैंक, ऐसा कहते हैं इसके अंदर कहीं क्रोकोडाइल है, मगर हमें तो भाई सब कुछ नहीं दिख रहा। आप आए अगर आप 300 रुपये खर्च कर सकते हैं 160 रुपये, और एक रिस्क ले सकते हैं ये चीज़ देखने का, तो देखें भाई किस्मत वाली बात होती है दिख जाए तो, जब बाकी बिल्कुल घने जंगल के बीच में
हमारे तो पैसे वेस्ट हो गए ना, हमारे पैसे वेस्ट हो गए, हमें तो कुछ नहीं दिखा। हाँ भाई, ये है कि ब्यूटी इंजॉय करो यहाँ बैठ के, और क्या। तो अब हमारी जो यहाँ की नई डेस्टिनेशन है, नई जगह हम जा रहे हैं, वो जा रहे हैं टॉड रॉक। टॉड रॉक कहा जाता है एक फ्रॉग के छोटे बच्चे के मुंह की तरह ना, एक रॉक रखा हुआ ऊपर, जिस क्या बोलते हैं फ्रॉग के छोटे बच्चे को टैडपोल। हाँ, अच्छा, टैडपोल के तरह मुंह खुला हुआ के बच्चे की तरह ना, एक ऊपर देखो ये पूरा ही रॉक पड़ा है। ये है यहाँ थोड़ा, ये है ट्रैक करके जाना पड़ता है, और अगर आप यहाँ जा रहे हैं ना, यह है बिल्कुल नक्की लेक के साथ बिल्कुल रास्ता कटता है, यहाँ से बिजली रास्ते। ये भी एक जगह मस्ट वॉच है, और हम जा रहे हैं, इस समय टाइम हो चुका है, कैडम वन 5:30 बज गए है ना, 5:30 बज गए अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ऊपर से कहते हैं सनसेट बहुत अच्छा दिखता है, सनसेट पॉइंट ऊपर से जाने का, क्योंकि मतलब अंधेरे उनसे पहले जाने, क्योंकि ऐसा कहते हैं इस पहाड़ों पे भालू वालू जैसे हर जगह कहना, अभी तक तो हमें मिला नहीं, हो सकता है यहाँ पे मिल जाए भालू। और आन की मम्मी भी हमारे साथ नहीं आ रही, क्योंकि इसकी मम्मी को ना थोड़ी सी वो है प्रॉब्लम है ऊपर चढ़ने में, ट्रैक नहीं करना चाहती वो। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या आप ट्रैक नहीं कर सकते, इतना ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो आप भी मत आइए आप, है ना। वहाँ आज और मैं नहीं डरते, हमने कहा हम जाएंगे और देखेंगे। हाँ भाई, चल के देखते हैं कितना स्ट्रेच ऊपर जाएंगे, ऊपर मजे लेके आते हैं। तो देखो, अगर आप भी जा रहे हैं टॉड रॉक, तो ऐसे सारा स्ट्रेच है स्टेयर्स का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, स्टेयर्स लेके जाना पड़ता है, आधा किलोमीटर है, फिर आधा किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। और जैसा कि हमने कहा, देखो आसपास में सारा जंगल एरिया है, तो अगर आप जा रहे हैं, मेन बात आपने जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ऊपर जाएं तो सनसेट होते ही नीचे आ जाएं, ऊपर वेट ना करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इस जंगली इलाके में ना कोई जानवर भी हो, तो अंधेरे के टाइम पे आपको पता नहीं लगेगा, और सेफ्टी नहीं है ऊपर, तो इस चीज़ का भी खास तौर पर ध्यान रखें यहाँ जाने वक्त। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट ही चले होंगे, ऐसा हार्ड नहीं है, ये हमारे घर का रोज का काम है। हाँ, तो ये है टॉड रॉक, ये है ऐसा शेप बनी हुई इसके पूरी, और यहाँ से आपको पूरा का पूरा दिखने वाला है नैनी माउंट आबू लेक को देख के नैनीताल की याद आ रही है, नैनी लेक दिखने वाली है। ये देखिए गाइस, ये है पूरा व्यू यहाँ से, बहुत ही ब्यूटीफुल भाई, ये देखिए, ये पूरा के पूरी नक्की लेक है, और ये पूरा माउंट आबू, और ये है टेड रॉक। यार आप सब आइए, बढ़िया मस्त फोटो खिंचवाइए, और यहाँ बैठ के आनंद लीजिए सनसेट का, सनराइज ज्यादा दिखेगा, ऐसे सनसेट कम दिखेगा। देखो तो कैसे, देखो ये है माउंट आबू की खूबसूरती, इतनी ऊपर आने के बाद कौन कह सकता है कि हम राजस्थान के अंदर है भाई। देख रहे हो ग्रीनरी, चेकआउट करो एक बार, ये देखो इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, मतलब ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि राजस्थान के बाड़ा, ऐसा लगेगा मसूरी या मनाली में हम घूम रहे हैं। ये है यहाँ की ब्यूटी भाई माउंट आबू की, इट्स अ मस्ट 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 विजिट प्लेस भाई माउंट आबू। अगर आप नहीं आए हैं तो एक बारी जरूर घूमना, इधर देखो पूरा लेक है, उधर पूरे पहाड़ हैं, उधर पूरी सिटी बनी हुई है, और इधर पूरी ग्रीनरी है, हर चीज आपको एक ही माउंटेन पे आके दिख जाएगी। और ये है यहाँ की खूबसूरती टॉड रॉक, आन ने मुझे बताया, मगरमच्छ कह रहा हूँ, फ्रॉग के बच्चे को कहते हैं टैडपोल। हाँ, सनराइज दिखता है, सनसेट नहीं दिखता, मगर सनसेट होने से पहले हमें नीचे पहुंचना होता है कि अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सारा ये जंगल है आसपास भाई, ये जो है ना।